Dear students, we are going to discuss about a very important topic, gene expression, in which we are going to take up lac operon. आज हम lac operon के बारे में study करेंगे और ये एक बहुत ही important topic है जो gene regulation को control करता है. Myself Dr. Fatima Sultana, Associate Professor and Department of Zoology, JDP Government Girls College, Kota. We all know that our intestine has many bacteria. ई कॉली हमारे एज अ बैक्टीरिया जो है हमारे इंटेस्टाइंस में पाया जाता है. एंड वॉट एवर फूड वी ईट, हम जो भी भोजन खाते हैं, मान लीजिए ब्रेड स्लाइस खाया, तो दैट इज़ अ रेडी सोर्स ऑफ शुगर. शुगर में कन्वर्ट हुआ और वो शुगर जो है ई कॉली आसानी से यूज़ करता है. तो ई कॉली का जो डीएनए है, जो जीन्स को रेगुलेट कर रहा है, तो वो तय करेगा कि उसको आसानी से प्राप्त हो रहा है ग्लूकोज, उसको लेते हुए वो अपना लिविंग करता रहेगा. दैट इज़ इट विल बी लिविंग और इट कैन बी एग्जिस्टिंग यूजिंग द शुगर विच इज़ रेडिली अवेलेबल इन द इंटेस्टाइन. नाउ फॉर एग्जांपल, यू हैव टेकन मिल्क, आपने दूध लिया, इट कंटेन्स लैक्टोज, शुगर एब्सेंट है. अब उस लैक्टोज को उसको यूज़ करना है, तो तब उसको लैक्टोज को कन्वर्ट करना होगा ग्लूकोज में. तो ई कॉली जो है उसका जो ऑफ एंड ऑन जो जीन रेगुलेशन है वो किस पे डिपेंड करेगा, प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज एंड एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज. So of all the gene regulations, the most widely studied is lac operon. हमारे शरीर में कोशिका के अंदर जो डीएनए पाया जाता है, किसमें, न्यूक्लियस के अंदर, दैट डीएनए कंसिस्ट ऑफ मोर देन 3 बिलियन जीन्स. अब उन 3 बिलियन जीन्स में से कुछ स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं और कुछ रेगुलेटरी जीन्स होते हैं. तो स्ट्रक्चरल जीन्स तो दे आर अराउंड 20,000 और मोर देन 20,000, बट स्टिल वी कैन सी इट इज़ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ द जीन्स विच आर टोटली एग्जिस्टिंग इन द मोर देन 3 बिलियन जीन्स. तो इसका मतलब क्या है कि रेगुलेटरी जीन्स 80% है और 20% आपके स्ट्रक्चरल जीन्स हैं जो वेरियस प्रोटीन्स को बनाने में यूज़ की होते हैं. तो दिस lac operon वॉज स्टडीड इन ई कॉली, जो बैक्टीरिया है उसके अंदर. जैकोब और मोनॉड ने 1961 में इस operon मॉडल को सजेस्ट किया, प्रपोज किया. And this was the regulation of the transcription. If you all remember central dogma, आपको पिछले वीडियोस को देखने होंगे कि DNA replication कैसे होता है, transcription कैसे होता है, translation कैसे होता है, और ये सब वीडियोस आपके डले हुए हैं. एक बार आप उसको रिवाइज कीजिए, तभी आप इस आगे जीन रेगुलेशन को समझ पाएंगे. तो अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल डोगमा, व्हाट हैपेंस दैट डीएनए एनकोड्स एंड मैसेंजर आरएनए इज फॉर्म. द नाउ दिस मैसेंजर आरएनए विल टेक द कोड्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. और कौन हेल्प कर रहा है, राइबोसोम्स. तो मैसेंजर आरएनए तो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से बन रहा है और मैसेंजर आरएनए से जो प्रोटीन्स बन रहे हैं वो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया से होता है, एंड दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स. तो अब ये जो प्रक्रिया है प्रोटीन्स का बनना, वो इट कम्स अंडर द कंट्रोल एंड दैट इज़ नोन एज जीन रेगुलेशन. तो हम lac operon को स्टडी करते हैं आज. व्हाट इज़ दिस lac operon? लैक का मतलब लैक्टोज, ऑपेरॉन का मतलब क्लस्टर ऑफ जीन्स. तो ई कॉली के अंदर 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं जो प्रोटीन्स को एनकोड करते हैं, विच इन्वॉल्व्स इन लैक्टोज मेटाबॉलिज्म.
एंड द साइट्स ऑन द डीएनए इन्वॉल्व्ड इन द रेगुलेशन ऑफ द ऑपेरॉन. मैनी प्रोटीन कोडिंग जीन्स इन बैक्टीरिया आर क्लस्टर्ड टूगेदर इन ऑपेरॉन्स विच सर्व एज ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट्स दैट आर कोऑर्डिनेटली रेगुलेटेड. ये जो क्लस्टर्स हैं, थ्री स्ट्रक्चरल जीन्स जो लैक्टोज मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहे हैं, तीन जीन्स हैं और ये कोऑर्डिनेटली जो है रेगुलेट किए जाते हैं सिस्टमैटिकली. एंड दिस मॉडल वॉज प्रपोज्ड बाय जैकब एंड मोनाड इन 1961 एंड दे वर गिवन नोबल प्राइज फॉर दिस. अब ये जो ऑपेरॉन मॉडल है इसमें क्या है, स्ट्रक्चरल जीन्स तीन स्ट्रक्चरल जीन्स हैं जेड वाई ए और ऑपरेटर साइट होता है जो उसके आगे होता है स्ट्रक्चरल जीन्स और यू कैन से बिहाइंड द स्ट्रक्चरल जीन्स ऑपरेटर दिस इज द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर जीन्स और नेक्स्ट होता है प्रोमोटर साइट. दिस इज द प्रोमोटर साइट वेयर आरएनए पॉलीमरेज कम्स एंड अटैचेस. क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट होने के लिए आरएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता होती है और आरएनए पॉलीमरेज जो है स्ट्रक्चरल जीन्स को एनकोड करके मैसेंजर आरएनए बनाएगा. तो थ्री साइट्स आर वेरी क्लियर टू यू ऑल. स्ट्रक्चरल जीन्स जो जेड वाई ए हैं उनके आगे पीछे की तरफ अगर हम कहें अपस्ट्रीम की तरफ ऑपरेटर जीन्स होते हैं जहाँ पर रिप्रेसर आकर के अटैच होता है टू स्टॉप द प्रोसेस टू स्टार्ट, यानी ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट होने से रोकने के लिए, इनहिबिट होने करने के लिए, इसीलिए इसको रिप्रेसर कहते हैं. तो ये रिप्रेसर आकर के इस ऑपरेटर साइट पे अटैच हो गया तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो आगे बढ़ नहीं सकता, यानी उसको एक स्पीड ब्रेकर की तरह ब्लॉक कर दिया है इस रिप्रेसर ने ऑपरेटर सीक्वेंस पे अटैच हो करके. नाउ बिहाइंड दिस प्रोमोटर साइट देयर इज रेगुलेटरी जीन. ये थाउजेंड सीक्वेंस अपस्ट्रीम जो है बेसिस अपस्ट्रीम होता है ये रेगुलेटरी जीन विच इज नोन एज लैक आई. ये लैक आई जो है कंटिन्यूसली मैसेंजर आरएनए बनाता है जो कि प्रोटीन बनाता है जिसको हम रिप्रेसर प्रोटीन कहेंगे. इसका प्रोमोटर ऑपरेटर साइट अलग होता है और कंटिन्यूसली इसका जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता रहता है और ये रिप्रेसर प्रोटीन बनता रहेगा तो ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं जेड वाई ए उनके अपस्ट्रीम में जो ऑपरेटर साइट है उसको जाके वो ब्लॉक कर देगा. तो इसका मतलब जब तक रेगुलेटरी जीन रिप्रेसर प्रोटीन बनाता रहेगा ये ऑपरेटर साइट ब्लॉक्ड रहेगा और अगर ये ब्लॉक्ड रहेगा तो आरएनए पॉलीमरेज जो प्रोमोटर साइट पे आकर के अटैच हुआ है एंड इट इज़ रेडी टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन द प्रोसेस इज ब्लॉक्ड. तो स्ट्रक्चर अगर हम लैक ऑपेरॉन का देखते हैं तो दीज आर द स्ट्रक्चरल जीन्स लैक जेड. लैक का मतलब लैक्टोज, जेड वाई और ए एंड ईच जीन विल एनकोड टू द सिंथेसिस ऑफ वन प्रोटीन. ऑपरेटर साइट फिर प्रोमोटर साइट जहां पर आरएनए पॉलीमरेज आकर के फिक्स होगा. इस प्रोमोटर साइट के आगे एक कैप साइट होता है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ और उसके और पीछे की तरफ होते हैं रेगुलेटरी जीन्स जो रिप्रेसर प्रोटीन्स बनाते हैं और वो रिप्रेसर प्रोटीन आकर के ऑपरेटर सीक्वेंस पे फिक्स हो जाएगा और उसको ब्लॉक करेगा. इट विल ब्लॉक द आरएनए पॉलीमरेज टू मूव फॉरवर्ड टू ट्रांसक्रिप्ट द जीन्स
लेग जेड, लेग वाई एंड लेग ए। तो इस लैक ऑपेरॉन में कौन कौन से की एंजाइम्स हैं इन्वॉल्व होते हैं लैक्टोस मेटाबॉलिज्म में? गैलेक्टोसाइड परमीज, विच इज ऑल्सो नोन एज लैक्टोस परमीज। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ दिस? इट ट्रांसपोर्ट्स लैक्टोस इनटू द सेल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। जो बैक्टीरिया है ई कॉली बैक्टीरिया, क्योंकि वो आंत के अंदर है तो ग्लूकोज तो इजीली वो एब्जॉर्ब करके खाता रहेगा, बट अगर ग्लूकोज एब्सेंट है तो लैक्टोस अवेलेबल है, जैसे कि दूध पिया, अब उस लैक्टोस को उसको ब्रेक करना होगा। नाउ व्हाट इज दिस लैक्टोस? दिस इज अ डाइसैक्राइड, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोस। तो इस डाइसैक्राइड को ब्रेक करना होगा, तब जाकर के उसको ग्लूकोज अवेलेबल होगा उस बैक्टीरिया को। तो लैक्टोज को उस ई कॉली के सेल के अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर आने के लिए गैलेक्टोसाइड परमीज एंजाइम जो है, इट हेल्प्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ लैक्टोज इनटू द सेल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में से अंदर आने के लिए हेल्प करता रहेगा। गैलेक्टोसिडेज क्या करता है? इट हाइड्रोलाइजेस द लैक्टोज टू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। जो लैक्टोज का जो मेटाबॉलिज्म है, क्योंकि ये डाइसैक्राइड है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज जुड़ करके बनते हैं, तो उसको हाइड्रोलाइज करेगा, उसको ब्रेक करेगा ताकि ग्लूकोज अवेलेबल हो सके। एंड थायोगैलेक्टोसाइड ट्रांसएसिटाइलेज, इट इज़ एन एंजाइम विच हेल्प्स एसिटाइल को एंजाइम ए टू अटैच विथ बीटा गैलेक्टोसाइड। नाउ इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ लैक ऑपेरॉन, जो रेगुलेटरी जीन्स हैं, स्ट्रक्चरल जीन्स से 1000 बेस पेयर्स अपस्ट्रीम की तरफ, वो अपना मैसेंजर आरएनए अलग बनाते रहेंगे, वो मैसेंजर आरएनए प्रोटीन में ट्रांसलेट होगा एंड दैट प्रोटीन इज नोन एज द रिप्रेसर प्रोटीन। दिस रिप्रेसर प्रोटीन विल अटैच्ड एट द ऑपरेटर साइट। नाउ वंस रिप्रेसर प्रोटीन ब्लॉक्स द ऑपरेटर, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम विच हैज़ बीन अटैच्ड टू द प्रोमोटर साइट कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। अगर रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर सीक्वेंस पे आकर के अटैच हो जाएगा और उसको ब्लॉक कर देगा, तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो प्रोमोटर साइट पर आकर के फिक्स हुआ था, वो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन विल नॉट स्टार्ट। बट नाउ If glucose is absent and lactose is present, तो जो थोड़ा lactose available हुआ वो lactose इस repressor protein पे एक साइट ऐसा भी होता है जिस पे lactose उस पे फिक्स हो जाएगा। उस पे अटैच होने से उसका जो confrontation है, जो मॉडल है repressor protein का, वो इस तरह से चेंज होगा कि वो वहाँ से डिटैच हो जाएगा। कहाँ से? ऑपरेटर सीक्वेंस से। नाउ व्हेन दिस रिप्रेसर प्रोटीन विल गेट डिटैच्ड, व्हाई? बिकॉज लैक्टोज हैज़ इंड्यूस्ड दैट रिप्रेसर प्रोटीन टू अनब्लॉक करने के लिए उसने इंड्यूस किया और वो वहाँ से रिप्रेसर प्रोटीन हट गया। तो अब ऐसे सिचुएशन में आरएनए पॉलीमरेज के लिए रास्ता क्लियर है, द ट्रैक इज क्लियर फॉर द आरएनए पॉलीमरेज टू मूव फॉरवर्ड एंड टू ट्रांसक्रिप्ट द स्ट्रक्चरल जीन्स जेड वाई ए। तो अब मैसेंजर आरएनए बना और एंड में टर्मिनेटर कोडॉन होगा जहां वो स्टॉप हो जाएगा। दिस मैसेंजर आरएनए विल बी ट्रांसलेटेड into the proteins beta galactosidase, permease and transacetylase. Now in the lac operon,
द स्ट्रक्चरल जीन्स आर द लैक जेड वाई एंड ए जीन्स विच आर एनकोडिंग फॉर गैलेक्टोसिडेज परमीज एंड ट्रांसएसिटाइलेज. नाउ ट्रांसक्रिप्शन अकर्स फ्रॉम अ सिंगल प्रोमोटर दैट लाइज अपस्ट्रीम ऑफ दीज स्ट्रक्चरल जीन्स एंड बाइंड्स आरएनए पॉलीमरेज. जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रोमोटर सीक्वेंस होता है अपस्ट्रीम स्ट्रक्चरल जीन्स के आगे जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर के बाइंड होगा. नाउ देर इज ऑपरेटर साइट इन बिटवीन द प्रोमोटर साइट एंड द स्ट्रक्चरल जीन्स एंड अ लैक आई जीन दैट कोड्स फॉर लैक रिप्रेसर प्रोटीन. द लैक आई जीन हैज़ इट्स ओन प्रोमोटर एंड दैट बाइंड्स आरएनए पॉलीमरेज एंड लीड्स टू ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लैक रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए एंड हैंस द प्रोडक्शन ऑफ लैक रिप्रेसर प्रोटीन मोनोमर्स. आपको जैसे बताया था आरएनए जो है वो प्रोमोटर साइट पे आके फिक्स होगा और उस ऑपरेट स्ट्रक्चरल जीन फिर ऑपरेटर सीक्वेंस प्रोमोटर सीक्वेंस कैप सीक्वेंस जो ब्लू कलर में है और उसके भी पीछे अपस्ट्रीम की तरफ है लैक आई जो कि रेगुलेटरी जीन्स हैं और वो अपना प्रोटीन अलग बनाते हैं जो रिप्रेसर प्रोटीन होता है और ये कंटिन्यूसली बनता रहता है. तो ट्रांसक्रिप्शन इज होल्डर्ड यानी रुका हुआ रहता है एंड दिस इज एट दैट टाइम व्हेन ग्लूकोज इज इजीली अवेलेबल टू दैट ईकॉली. उस बैक्टीरिया को ग्लूकोज आसानी से प्राप्त हो रहा है तो उसको लैक्टोज को एनर्जी खर्च करके और फिर उसको ब्रेक करना क्योंकि लैक्टोज इज अ डाइसैक्राइड विच विल ब्रेक द ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज एंड देन द फूड इज अवेलेबल फॉर दैट ई कॉली. नाउ एज आई हैव टोल्ड यू इफ लैक्टोज इज प्रेजेंट इट विल इंड्यूस द रिप्रेसर प्रोटीन इट विल इंड्यूस द रिप्रेसर प्रोटीन और उससे क्या होगा कि उसका कन्फ्रंटेशन चेंज हो जाएगा और रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर सीक्वेंस को छोड़ देगा. छोड़ने की वजह से क्या हुआ कि अब आरएनए पॉलीमरेज के लिए ट्रैक बिल्कुल क्लियर है और वो अपना ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस इजीली स्टार्ट करता है और स्ट्रक्चरल जीन्स को ट्रांसक्रिप्ट करके मैसेंजर आरएनए बनाता है और उस मैसेंजर आरएनए से ट्रांसलेशन हो करके वो रेस्पेक्टिव प्रोटीन्स बनते हैं. सो इट शुड बी क्लियर कि रेगुलेटरी जीन जो है वो रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा है और रिप्रेसर प्रोटीन जो है ऑपरेटर सीक्वेंस पे ब्लॉक कर देता है. द ऑपरेटर सीक्वेंस हैज़ बीन ब्लॉक्ड बाय दिस रिप्रेसर प्रोटीन. अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर साइट पे फिक्स हुआ है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है बिकॉज द रोड इज ब्लॉक्ड बाय द रिप्रेसर प्रोटीन. But in the second sequence, if lactose is present, it will induce the repressor protein and it will make it inactive so that it will leave the operator sequence and now the RNA polymerase can start the process of transcription. So normally E. coli cells make very little of any of these three proteins. जैसे कि आपको मैंने बताया कि बहुत कम मेहनत करते हैं लैक्टोज को ब्रेक करके और फिर ग्लूकोज को प्राप्त करना इफ़ ग्लूकोज इज इजीली अवेलेबल टू देम एज ए फूड. दस ईच एंजाइम इज एन इंड्यूसिबल एंजाइम एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्शन. द मैकेनिज्म इज दैट द फ्यू मॉलिक्यूल्स बीटा गैलेक्टोसिडेज इन द सेल बिफोर इंडक्शन कन्वर्ट द लैक्टोज टू allolactose which then turns on the transcription of these three genes in the lac operon. Thus the allolactose is an inducer. जो थोड़ा बहुत beta galactosidase जो कोशिका के अंदर है यानी bacteria के अंदर है वो क्या करता है कि lactose को allolactose में convert करता है
और ये एलोलैक्टोज जो है इंड्यूसर का काम करेगा, यानी रिप्रेसर प्रोटीन पर आकर के अटैच हो जाएगा और उस रिप्रेसर प्रोटीन को वहाँ से अनब्लॉक कर देगा, कौन से एरिया से, ऑपरेटर सीक्वेंस से, सो दैट द आरएनए पॉलीमरेज कैन मूव फॉरवर्ड एंड प्रोसीड द ट्रांसक्रिप्शन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कैन प्रोसीड। हियर यू कैन सी दैट हाउ द एलोलैक्टोज हैज इंड्यूस्ड एंड ब्लॉक द रिप्रेसर प्रोटीन, यानी रिप्रेसर प्रोटीन को इनएक्टिव कर दिया है और इसके वजह से रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो ऑपरेटर सीक्वेंस को ब्लॉक नहीं कर पाया। अदरवाइज व्हाट वाज हैपनिंग दैट एवरी टाइम दिस रेगुलेटरी जीन इज मेकिंग और प्रोड्यूसिंग द रिप्रेसर प्रोटीन विच इज गोइंग एंड ब्लॉकिंग एट द ऑपरेटर सीक्वेंस, due to which the RNA polymerase is not able to start the process of transcription. Lack operon in absence of inducers. In the absence of an inducer such as allolactose, the lac I gene is transcribed and the resulting repressor protein binds to the operator site of the lac operon and prevents the transcription of the three structural genes. Absence में तो transcription हुआ, अब presence में क्या होगा? During induction, the inducer binds the repressor. This causes a change in the conformation of the repressor that greatly reduces its affinity for the lac operator site. The lac repressor now dissociates from the operator site and allows the RNA polymerase to begin transcribing the structural genes Z, Y, and A. They are transcribed to yield a single polycystronic messenger RNA that is then translated to produce all the three enzymes in large amounts. If the inducer is removed, the lac repressor rapidly binds to the lac operator site and transcription is inhibited almost immediately. तो हमने क्या देखा कि अगर इंड्यूसर एब्सेंट है तो रिप्रेसर प्रोटीन जो है ऑपरेटर साइट को ब्लॉक कर रहा था, जिसके वजह से ट्रांसक्रिप्शन को उसने रोक दिया है, so that the RNA polymerase cannot start the process of transcription. और जो structural genes हैं Z, Y, A हैं वो transcription के process ना start होने के वजह से वो proteins नहीं बन पाए। और वही चीज़ अगर inducer present है तो क्या होता है कि repressor protein का जो conformation है, यानी जो स्ट्रक्चर है, वो इस तरह से चेंज करेगा वो कि ऑपरेटर सीक्वेंस को वो ब्लॉक नहीं कर सकता। ऐसे में आरएनए पॉलीमरेस एंजाइम आसानी से उस ऑपरेटर सीक्वेंस को क्रॉस करते हुए स्ट्रक्चरल जीन्स को रीड करना शुरू कर देता है, दैट इज इट स्टार्ट्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन और मैसेंजर आरएनए बनता है, उससे ट्रांसलेशन होकर के ये फॉलोइंग प्रोटीन्स बनते हैं, गैलेक्टोसिडेज, परमीस एंड ट्रांस।